हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टडल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स के बारे में और जानेंगे इसको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उस प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी कंटेंट को मिस ना कर सके। तो भाई, अपने यूट्यूब चैनल पर दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टडल, जैसे आप ये यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जो ये चैनल का इंटरफेस इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन को डालता रहता हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आप जो है CSIJRF, SMIJRF, DBT, JRF गेट या आप BSc, MSc या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं बायोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंटेंट को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात कर लें उस नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन आया शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर शालीमार श्रीनगर से आया है। तो यहाँ पे देखिए, वॉक इन इंटरव्यू है फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर फॉर टीचिंग असाइनमेंट ड्यूरिंग ऑटम सेमेस्टर 2021। तो यहाँ पे देखिए, फैकल्टी दे रखा है, फैकल्टी और कॉलेज मेंशन कर रखा है कि आपको किस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज निकली हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वदूरा सुपोर, डिसिप्लिन फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स रिक्वायर्ड 1, डेट एंड टाइम इंटरव्यू 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है पूरा फैकल्टी और कॉलेज मेंशन कर रखा है, साथ ही डिसिप्लिन और डिवीजन मेंशन कर रखा है, और यहाँ पे इन्होंने डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू भी मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी फील्ड में या जिसमें आपका पीजी डिग्री या पीएचडी डिग्री है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आप जो है किस डिसिप्लिन में इंटरव्यू देना चाहते हैं। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स, पीएचडी डिग्री विद कोर्स वर्क इन कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब बाय द यूजीसी रेगुलेशन 2009। नेट आपका क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे अगर आपने पीएचडी अपना 2009 से पहले रजिस्टर किया होना चाहिए तो आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके थीसिस मिनिमम 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए और आपका जो है ओपन पीएचडी बाय वर्स हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हमें कंसर्न डिसिप्लिन और सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, फिश जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, फिर FRM एंड एक्वाकल्चर। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं कि आप जो है आपका मास्टर डिग्री या पीएचडी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, तभी आप उसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को दे रखें, तो आप जब भी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। एलिजिबिलिटी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, इसलिए एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें, तो आपको यहाँ पे अगर आपका पीएचडी है तो आपको 45,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, अगर आपके पास मास्टर डिग्री होल्डर तो आपको 35,000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो देखिए, एमएससी पीएचडी में कितना डिफरेंस, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, यानी पीएचडी है तो 45,000 आपको दिया जाएगा, एमएससी है तो सिर्फ 35,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मेंशन कर रखा, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एकेडमिक डिटेल्स, एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पढ़ाया है, रिसर्च किया है, तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।